मगर अल्लाह करे कि यह नियत में कुछ अंगी मिल बास की और कुछ हिका को जो दे अल्लाह मैं बाली दो ते बड़ी सारी बास करें दे वो पहले बनाओ ना पहले इतना जी में बढ़ता प्याज जरिए हुए बनाओ जा अल्लाह मैं इकबाल फरमाते हैं दिल से जो बात निकलती है अथर रखती है अल्लाह मोहब्बत दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत मगर परवाज पर तक नहीं रहे होता मगर परवाज उच्ची होती है बुजुर्गी में आपने फरमा एक चीज कुकदी नजर नहीं आती मगर दिल च चुभती हजूरी की वजह क्या है आपने फरमाया दिल बंदा अपनी जबान के बीच कोई जुमला अलेंदा खड़ा होगा ना ई में समझो ये खुद बोलेगा नहीं खड़ा होगा ई को कोई बुलवा मारेगा बोलेगा सुभान अल्लाह आका करीम अलैहि सलातु तस्लीम दा फरामीन मुकद्दस आए दुनिया दे अंदर जितनी महाफिलां दे नाकाम कीता मिले मकसद क्या है कि कुरान दी समझ और मकसद क्या है सही दे फरमान दी समझ कि जेड़े आलिम लोग होंदे जेले इल्म पढ़ांदे और दौर हदीस करांदे वल मुफ्ती बनांदे वल शेख उल हदीस बनदे पर जेले हदीस पाकां को पढ़े बड़ी जस्तजू रखते हैं बड़ी तगो दो रखते हैं बड़ी मेहनत करें मेहनत की तलाश होगी सियार के बावजूद वल बन के मिंबर से खड़े अल्लाह का कुरान लेने वल मोहम्मद का फरमान इतनी बढ़िया मेहनत की बन बन के रब तारा दी जाते पाक दा दीन साडे अकल विच आंदे पर साडे दिल ते पांदे मगर आका करीम रहे सलात तस्लीम दी जाते पाक दे फरामीन मुकद्दस आ को आज भी जे बंदे अखलास नाल सुने ना मोहब्बत नाल सुने दिल जमी नाल सुने मोहब्बत ते सारे दरवाजे खोल दे आज भी जे आका करीम दी जाते पाक दा फरमान सुन गी दे मेरे रब जुल जलाल दी जाते पाक ने नारे तकबीर नारे रिसाला या रसूल नारे खिलाफा जितने आका करीम दी पाक बारगाह दे अंदर बड़े बड़े मालदार साहब है करम बांधे हैं वो अपने माल की खूब इतना बांधे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इतना चाहते हैं कि सारा इतना बड़ा बिजनेस है सही इतनी प्रॉपर्टियां दे मालिक हैं अस इतने बड़े जमींदार हैं अस इतने बड़े जमींदार हैं बड़े बड़े साहब है कराम हैं जिन्हों के कई कई हजार कुट होते हैं कई कई गई होती हैं कई कई बेना के बकरियां होती हैं हत्ता के पहाड़ा की एक वादी होंगी वादी सारे उन्होंने ढांडे होते हैं वाली ढांडे की फूत न रखते हैं मुहम्मद की गुलामी की सही दे जिक्र दी महफिल चाबा में ना पहले तो आकड़ न रखे फूत न रखे पहले अपने दिल विचो इन चीजा को साड़े साड़ दे अपने कोठे को अपनी हट्टी को अपने अंदर को अपने मन को पहले हर शायद दे बूटे को साड़ दे वल बहवे वल पढ़ा नला जेले को लफ्ज अलेंदा खड़ा होते वल वांधा जुमला दिल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुसा लोग बैठ लोग ने पखा ना पे लगाए पखा ना पे लगा अगर जरूरत हो में तो ना छोड़ो फूत ना बनाओ मौलवी पढ़ा फूत बना दे खड़ा हो गए अगर मेरे वास्ते पखा लावे वाले वास्ते ही लावे क्योंकि अगर मेरे वास्ते ले से ना बल मजीद मेरी चाबी मुरली जो है सी ओए मेरे वास्ते पखा लगा करे ते इही कुत्ते को त मुकवेंदे बने भाई भौंकना बंद कर दे मैं जट्टण त ही कुत्ते ने अंदर भौंकना बंद कर दीता बंदा वक्त वली बन सुभान अल्लाह हां मैं त हे जेडी बंदे को खत्म कर के आई यो मैं त हे जे गल च लानत दा तौब च पवाया आई जट्टण तुसा मैं करे दे पे वे बकरी मैं करेंगे ना उन्हें की चीज छुरी फेर में दिया ना
तुसा या मैं मैं करनी बंद कर दी थी वल जहान क्या हो सी तुसा अगू असो वल मोहम्मद दे गुलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अंदर ही शय को खत्म करने ही अनाफ को खत्म करने ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग दे पाक फरमाने हां फरमाते ने पता है इल्म वाला बंदा कौन होवे कपड़े देखते ना भूले करो पट्टे देखते ना भूले करो झूला देखते ना भूले करो तस्बीहां दे कड़काव देखते ना भूले करो बड़े बड़े मदरसे देखते ना भूले करो बड़े बड़े इश्तिहार देखते खत्म बुखारी दिया महफिला देखते ना भूले करो आओ तो को इल्म वाले बंदे की निशानी दसा वा क्या है फरमा ला यकूनु रजुलु आलिमन नारे तकबीर नारे रिसाला नारे खिलाफत नारे हैदरी उलमा हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। अच्छा मौलवी क्या कहना हो सी? बहुत अच्छे लफ्ज बोलो बेटे। मैं सुभान अल्लाह एक घंटे तक कहना लगा एक घंटे ते जरन एक घंटे तक सुभान अल्लाह अलवामा चा तुसा अखाए चा भाई और अहमद रजा जणा मिन्नत कर दे सब सुभान अल्लाह। मैं मर वैसा मैं कोशिश करे से मैं सुभान अल्लाह तो को आखण दे मजबूर कहना करे सा क्योंकि इन लफ्ज दी मेरे ऊपर पाबंदी लगी गई है। मेरे को अब्बा जी ने पाबंदी ला दे दी है बंदे को सुभान अल्लाह ना आख पाया का। मैं कह अब्बा जी दे सारे आ दिन आखो सुभान अल्लाह मैं क्यों ना आखवा। अब्बा जी ने फरमाया अपनी ज़बान इच चस पैदा कर तेरी ज़बान इच जुमला निकले बेद दिल इच गुप्पे आपे आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। वो कोशिश वदा करे ना बंदे रो चस बण वणे वर्दी दा नहीं पाई पर वलिया दे सदके इंशाल्लाह एक दिमारा ठोक बण वैसी मगर तरला करे दा वदा हां कोशिश करे दा वदा हां ता ए क्या मतलब है? इदा मतलब है सड़ोल कहना हो सी पता चल गया जिंदे कोल इल्म आवे सी ना सड़ सी कहना। और तुसा दा आदे वे जेड़े सुन्नी लोग हैं ਵੀ ਲੋਗ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਮੇਲੇ ਕੁਲਖਾਨੀਆਂ ਲੈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਟਕੇ ਦੇ ਵਦਨ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹਨ ਉਹ ਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਕੇ ਦੇ ਵਦਨ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਕੇ ਦੇ ਵਦਨ ਕਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਉਹ ਸੜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੜੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਚ ਰੱਖੇ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਣਾਵੇਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਂ ਤਸਈਦ ਕੋ ਇਲਮ ਸੜਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੇਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਲਮ ਠਰਨਾ ਸਿੱਖੇਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਲਮ ਅਕੜਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖੇਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਲਮ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੇਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੁਕੋਣੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਸਾਂ ਤਸਈਦ ਦੇ ਚ ਇਲਮ ਕਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਲਮ ਆਲਮ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸਾ ਤੇ ਕੁਤਬਾਂ ਦੇ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਵਦੇ ਆਲਮ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਠਰਦਾ ਵਦੇ ਵੇ ਸਮਝਾਇ ਲੰਗਰ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ